हेलो गाइस, तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। काकू फैमिली ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो गाइस, आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, शादी वाले शाही, मतलब जो बताते हैं ना, मटर पनीर, बढ़िया से। तो मैं बस आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले मैंने ओनियन को स्लाइस कर लिया है, प्याज है और अदरक है, लहसुन है, तीनों चीज़ें मिक्स करके हमने इसको काट लिया है। और फ्राई करने के लिए हल्का सा ऑयल डाल के इसको सौते करते हैं और कुछ डाल लेते हैं इसमें काजू। टुकड़ा काजू मैंने टुकड़ा काजू डाल दिए हैं इस रेसिपी के अंदर और इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। प्याज हमारे अच्छे तरीके से सौते हो चुके हैं। अब इसमें है बारीक टमाटर डालने की। टमाटर को कट करेंगे, रफली चॉप करेंगे और इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। हल्का हल्का सा ऑयल आ गया है। बढ़िया तरीके से प्याज काजू अदरक लहसुन बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। टमाटर भी मैं डाल चुका हूँ इसमें, कट करके रफली चॉप करके टमाटर भी डाल चुका हूँ। अब अच्छे तरीके से इसको भूनना है और हल्की सी ग्रेवी ग्रेवी आ जाएगी और टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर इसको बनाएंगे अच्छा सा एक पेस्ट। तो गाइस, मेरे को 5 मिनट हो गए इसको भूनते भूनते, हल्का हल्का सा ऑयल आ गया। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पकने देंगे। उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे, बनाएंगे अच्छे से। तो गाइस, आधा कप मैंने पानी डाल दिया था और अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा है। इसको अब कवर करके रख दें। तो गाइस, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है जैसे हमें चाहिए था। इसको ठंडा होने देते हैं और इसके करते हैं मिक्सी ग्राइंड। और गाइस, इसी के बीच हम थोड़ा सा ले रहे हैं ब्रेक और हम पी रहे हैं दूध। और ये हमें प्रसाद के रूप में मिला था, बड़े भैया उनकी शॉप के बाहर लगा होता। काकू मेरे लिए दूध लेकर आ गया था। काकू और रौनक गए थे, दोनों दूध और जलेबी लेके गए थे। और ये ललिता भाभी जी ने प्लेट भेजी है, जलेबी है, लड्डू है, गुलाब जामुन है और मैं भी भोग लगाने के लिए मिल्क केक और बर्फी लेकर आ चुका हूँ। और बस भोग भूख लगाएंगे अभी। और मटर पनीर के लिए हमें चाहिए पनीर और मटर, इनके बिना तो मटर पनीर बनेगा नहीं बढ़िया से शादी वाला। तो गाइस, मैंने क्या किया, और मटर को मैंने बॉईल करने के लिए रख लिया, मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, मटर को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। मसाला मेरा ठंडा हो रहा है और ये दूध भी हमारा ऊपर आता हो गया। तो गाइस, मटर भी हमारे अच्छे तरीके से हो चुके हैं बॉयल। बस अब मटर पनीर बनाने की करते हैं तैयार। गाइस, जो हमने मिक्स किया था फ्राई और उसको हम डाल दिए मिक्सी के जार में, इसकी बनाएंगे स्मोक। हमारी क्रीमी टेक्सचर की बढ़िया सी प्यूरी बनकर हो चुकी है तैयार, ये बिल्कुल एकदम स्मूथ। और इसको करेंगे अब कढ़ाई में। हमने कढ़ाई में डाल दिया 3 चम्मच देसी घी। देसी घी में बनाएंगे, हमने वही वाली कढ़ाई ले ली जिसमें हमने फ्राई किए थे ओनियन टमाटो अदरक लहसुन का जो फ्राई किए थे, वही वाली ले ली है कढ़ाई में। प्यूरी जा रही है सारी देसी घी में। अब इसको बढ़िया से करेंगे फ्राई। बस इसको सिम आँच में थोड़ी देर के लिए भूनने देंगे, अच्छे तरीके से भूनना है इसका मसाला बढ़िया सा। तो गाइस, ये लगे हुए हैं हमारे सारे बाशिंदे, बिल्कुल हमारा राम नाम की ज्योति बिल्कुल जल चुकी है, एकदम प्रज्वलित हो चुकी है। और डॉली जी ने भी, सोनिया भाभी ने, सब ने साथ दिया। अब नीचे से ललिता भाभी वगैरह को पता नहीं, सरप्राइज़ है उनके लिए, ऊपर बुला के लाऊँगा उनको। अभी सरप्राइज़ देंगे उनको। डॉली जी, दरवाजा बंद करना। चल गई, चलो जी। हाँ, लाइट लाओ, आपको लाइट जला दे। जय श्री राम। मसाले को रख दिया मैंने कढ़ाई के अंदर कवर करके ताकि वो अच्छे तरीके से भुन जाए और जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आएगा तब तक कोई भी मसाले हमने नहीं डालने इसमें। और आज मैं आपको बताऊँ, मेरी शॉप को भी 7 साल हो गया है ना डॉली। 22 जनवरी 2017 को मेरी शॉप की ओपनिंग हुई थी। तो आज सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई हो श्री राम जी का, ये समझ लो कि अपने स्थान पर आ गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनका, समारोह बहुत अच्छे ढंग से। और जगह जगह दिवाली है, मतलब अभी तक भी पीछे बम फूट रहे हैं। तकरीबन टाइम 10 के आसपास का होने वाला है। अब हमने भी दिए वगैरह जलाने हैं, बस दीपक जलाने हैं, 108 दीपक जलाएंगे अभी हम भी, और राम जी के नाम के। बस काम कुम थोड़ा सा करेंगे अभी, और क्या कहते हैं, डिश आपके लिए बिल्कुल बनानी पड़ती है। देखो, ब्लॉग सारे बनाने पड़ते हैं, ये भी ब्लॉग बनाना पड़ता है और आपको। तो गाइस, बस टमाटो प्यूरी हमारी अच्छी तरीके से हो रही है, बढ़िया सी फ्राई हो रही है। ऑयल आना हल्का हल्का सा शुरू हो चुका है और अब इसको बढ़िया से मसाले डालेंगे इसमें, बिल्कुल बेसिक मसाले जाएंगे। इसी बीच में हमारे जो ये मटर अंकल है ना, मटर अंकल ही बढ़िया सी हो चुके हैं फ्राई, अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं मटर। डॉली,
मटर बॉईल हो गए बढ़िया ढंग से। इसको करेंगे बंद। टाइट रहने से तो गाइस मैंने बेसिक मसाले सारे इसमें डाल दिए हैं। अदरक डाल दिया है और सॉरी लाल मिर्च डाल दी है, अमचूर पाउडर डाल दिया, हल्दी डाल दिया है, देगी मिर्च डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है और धनिया पाउडर डाल दिया है। बस इसको करेंगे अब मिक्स थोड़ा सा और अच्छी तरीके से ऑयल आने देंगे ऊपर। तो गाइस मसाले में क्या मस्त ऑयल आ चुका है, एकदम बढ़िया सा ऑयल आ चुका है और दो दो काम हो रहे हैं। और बाहर ये हमारे दिए लग रहे हैं जय श्री राम जी के बरांडे में और ये काम हो रहे हैं, दोनों दोनों काम इकट्ठे इकट्ठे हो रहे हैं। मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे ढंग से। तो गाइस मसाला हमारा अच्छे ढंग से भुन चुका है और बढ़िया सा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें डालेंगे मटर और पनीर, थोड़ी देर इसको बॉयल होने देते हैं। मसाला अच्छी तरीके से ना ऑयल और ऊपर आ जाए ना, मटर बिल्कुल मटर डाल के डॉली करिए बीच में भून लो, भी भूनेंगे थोड़ी देर में। और दो दो काम हो रहे, डॉली बाहर कर रही है दियो की तैयारी, जय श्री राम 108 दिए जलाएंगे। किचन में हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, सारे सारे काम इकट्ठे इकट्ठे करने पड़ते हैं हमें। और मिलते हैं आपको थोड़ी सी। गाइस मसाला अच्छे तरीके से भून चुका था और इसी बीच हमने इसमें डाल दिया है मटर। मटर को भूनेंगे अच्छे ढंग से इसमें और जब तक एक्सिस ऑयल हमारा जो है ऑयल ऊपर। घर की फ्रेश फ्रेश मलाई हमारे पास, घर की फ्रेश मलाई है, दो चम्मच मलाई। गाइस मैंने डाल दी इसमें दो चम्मच मलाई घर की और इसको करेंगे। बस हमारा कार्य पूरा हो चुका है और बस दीपक ज्योति जलने वाली है, अभी फिर आपको दिखाएंगे। इसी के बीच में मैंने रखा हुआ है शाही पनीर, साथ साथ में ये भी काम कर रहा हूँ और शाही पनीर की रेसिपी आएगी काकू फैमिली ब्लॉग पे, देख लेना। बढ़िया सा शाही पनीर नहीं है सॉरी मटर पनीर है, शादी वाला जैसे बनता ना वैसे बनाएंगे मटर पनीर बढ़िया सा। और गाइस मलाई डालने के बाद बढ़िया सी रंगत आ चुकी है सब्जी के अंदर, तो इसका कलर ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया, चेंज हो चुका है। मटर अच्छे तरीके से इसके अंदर बॉयल होकर हमने डाल दिए थे और ये मिक्स कर लिया। तो गाइस ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है हमारा मलाई अच्छी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध डालेंगे, मैंने पानी नहीं डाला अभी तक इसमें। तो गाइस मैंने डाल दिया इसमें आधा कप दूध और अच्छे तरीके से उसको बॉयल होने देंगे। लास्ट में डालेंगे पनीर, उसके बाद लगाएंगे देकी मिर्च और कसूरी मेथी का तड़का। गाइस मटर पनीर की बारी, अब पनीर की बारी आ चुकी है। मटर पनीर के अंदर डालने, पनीर हमारा अच्छे तरीके से हो चुका था फ्राई और हमने डालते हैं इसमें पनीर के टुकड़े। अब करेंगे बिल्कुल ग्रेवी वाला हमारा तैयार हो चुका है मटर पनीर शादी वाला, ये देख लो एकदम शादी वाला मटर पनीर। अब इसमें लगेगा तड़का बढ़िया सा। राम नाम की ज्योति हमने जला दिया और हमारा मटर पनीर भी बिल्कुल शादी वाला तैयार है। देसी घी मैंने डाल दिया, कसूरी मेथी डाल दिया, देगी मिर्च डाल दिया, तड़का लगा रहे हैं इसमें। बढ़िया सा तड़का हमारा बनकर हो चुका है तैयार, ये सीधा जाएगा मटर पनीर में। बढ़िया सा तड़का चल जा चुका है इसमें मटर पनीर, बढ़िया सा रोगन आ चुका है सब्जी में और बढ़िया सी हमारी मटर पनीर की जो रेसिपी है शादियों वाली वो बनकर हो चुकी है तैयार। और एक बार बनाना, ट्राई करना और बताना कैसे। गाइस मटर पनीर की जो हमारी रेसिपी है वो बनकर हो चुकी है हमारी तैयार बढ़िया सी, और एक बार बनाना कैसे बनी है। रोगन देखो, रोगन क्या बढ़िया सा रोगन आया यार, क्या बढ़िया सा रोगन आ गया है। और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार कर लिया हमने मटर पनीर की। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का और हमने बना लिए थे मज़ेदार से मटर पनीर और शादी वाले, और ये देख लो बढ़िया से मटर पनीर बन गए हैं। एक बार आप भी इंजॉय करना वो बनाना और बताना कैसे लगा। और वीडियो बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी बना है और क्या कहते हैं बिल्कुल एकदम फीकी फीकी है, ठीक ग्रेवी है बिल्कुल एकदम बिल्कुल जैसे बढ़िया सी शादी में से रिच होती है ना, बिल्कुल एकदम रिच वाली ग्रेवी वाली बनी है। अभी तो ठंडी हो चुकी है तभी करके मजे से आप तो डाल लिए डॉली में, और ये छोटी गर्म है सर्दी में कोई इतनी वो नहीं गर्म नहीं लगता। इसमें पनीर तो थोड़ा थोड़ा ही है, क्रीमी डाला है एक बड़ी रेसिपी को। और हमने राम नाम की दीपक ज्योति जला दी डॉली जी, अब इसको रख दीजिए, आपका बारी खत्म हो चुकी है। राम नाम की दीपक ज्योति हमने जला दी है और बिल्कुल समाप्ति हो चुकी है। स्कॉर्पियो सार्थक चैनल में आप देख लेना और टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। साथ में ये भी बात कहनी थी, अगर आप स्पाइसी बनाना चाहो तो इसमें ना लास्ट में जैसे मैंने कसूरी मेथी डाली ना, कसूरी निकल आता है पीछे से बोला इसको सब पता है ना, इसलिए हरी मिर्च बारीक बारीक काट के अदरक के लच्छे बाद में डाल सकते हो,
हरी मिर्च ये खाते नहीं ना, अदरक कहते मुंह में आता है, भाई नहीं खाता। नहीं ऐसे तो अदरक खूब सारा डाला है क्योंकि ठंड है तो अदरक लहसुन तो फायदा करती है। तो गाइस ग्रीन चिली हो गई, कसूरी मेथी हो गई, देगी मिर्च हो गई, इसका तड़का आप बाद में डाल सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। बेसिक मसाले डाले हैं, कोई नहीं खाता होगा आपके घर, तो निकाल के उसको मिर्च बना लीजिए और क्या कर सकते हैं। हमारे घर में जैसे ये नहीं खाते तो हम क्या करेंगे, ये बाद में मिर्च डाल लेते हैं। तो गाइस मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।